कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम माता काल रात्रि की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं, तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको नवदुर्गा के सातवें स्वरूप माता कालरात्रि की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, माता कालरात्रि का वर्ण काली रात के समान काला है। इनके तीन नेत्र और चार भुजाएं हैं। दाहिनी दोनों भुजाएं क्रमशः वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं, तथा बाई दोनों भुजाओं में माता ने फरसा और लोहे का कांटा धारण किया है। इनके गले में विद्युत माला और बाल बिखरे हुए दिखाई पड़ते हैं। माता कालरात्रि का ये रूप देखने में तो भयंकर है, किंतु भक्तों को माता सदैव शुभ फल ही प्रदान करती है, इसीलिए इनका एक नाम शुभंकरी भी है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं माता कालरात्रि की महिमा और कथा। जो ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं, तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। भक्तजनों, क्योंकि माता कालरात्रि नवदुर्गा का सातवां रूप है, तो सातवें नवरात्रि में माता कालरात्रि की पूजा का विधान है। आइए जानते हैं माता कालरात्रि की पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और माता को लाल पुष्प और लाल वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता को लाल रंग बहुत ही पसंद है। इसके पश्चात माता को रोली कुमकुम लगाएं और कालरात्रि माँ को मिष्ठान और पंचमेवा तथा पांच प्रकार के फल अर्पित करें। माता कालरात्रि को शहद का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए तथा अधिक से अधिक माता कालरात्रि का ध्यान करें। माँ कालरात्रि का सिद्ध मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम कालरात्रि देव्यै नमः। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तों, माता कालरात्रि के इस रूप का ध्यान करने से शत्रुओं का नाश तो होता ही है, साथ ही माता भक्तों को सद्बुद्धि भी प्रदान करती है। आज हम माता कालरात्रि की दो कथाएं आपको सुनाएंगे। आइए जानते हैं किस प्रकार माता कालरात्रि भक्तों को सद्बुद्धि प्रदान करती है। शुक्ल नामक राजा था काशी नगरी का।
बिना शर्त अपनी पुत्री के मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार अपने पिता के सामने विद्योत्तमा ने शर्त रखी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वो उसी से विवाह करेगी। प्रिय भक्तों, तत्कालीन सभी विद्वान विद्योत्तमा से विवाह की इच्छा के लिए शास्त्रार्थ करने आए, किंतु विद्योत्तमा को हरा ना सके। भक्तों, उस समय एक बड़ा ही विद्वान राजा था, वह रुचि। जब वो भी विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ में हार गया तो उसे विद्योत्तमा ने अपमानित करके महल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इससे वररुचि के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची और उसने विद्योत्तमा को सबक सिखाने की ठान ली। उत्तम अवसर वररुचि ने फिर तो शीघ्र ही पाया। अपने मंत्रियों संग शिकार को जब वन में आया, एक वृक्ष की शाखा पर एक बैठा चरवाहा। शाखा पर बैठा था उसको ही काटना चाहा। पीछे बैठा और सामने हार चलाता है। कट गई जब शाखा तो खुद भी वो गिर जाता है। महामूर्ख है बड़ा ही, पर रुचि न जान लिया। विद्योत्तमा से इसका विवाह मैं कराऊं ठान लिया। अपने साथ उस चरवाहे को लेकर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। भक्तजनों, उस चरवाहे को जब वररुचि ने देखा तो जान लिया कि इससे महामूर्ख इंसान कोई नहीं हो सकता, और विद्योत्तमा को सबक सिखाने के लिए किसी प्रकार इसके साथ विवाह करवाना होगा। उस चरवाहे ने जब वररुचि से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम दास बताया। वररुचि कहने लगा, क्या तुम राजकुमारी विद्योत्तमा से विवाह करोगे? तो दास ने तत्काल ही हाँ कर दी। वररुचि ने उसे इस बात के लिए मना लिया कि तुम्हें सिर्फ इशारों में ही प्रश्न का उत्तर देना है। फिर उस चरवाहे को अच्छे वस्त्र पहनाकर विद्योत्तमा के सामने लाए और कहने लगे, ये तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है, किंतु इसने मौन व्रत धारण किया है, अतः ये केवल इशारे में ही उत्तर देगा। विद्योत्तमा मान गई और प्रश्न में उसने एक उंगली उठाई। दास ने सोचा कि ये मेरी आँख फोड़ने के लिए बोल रही है। दास ने दो उंगलियां विद्योत्तमा की ओर उठा दी, जिसका तात्पर्य था, तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी, मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। विद्योत्तमा कहने लगी, मैंने प्रश्न किया कि क्या यह संसार एक ब्रह्मा द्वारा निर्मित है? तो वह रुचि के साथ आए पंडितों ने कहा, ये कह रहे हैं ये सृष्टि ब्रह्मा और माया दोनों से निर्मित है। फिर राजकुमारी ने पांच उंगलियां दिखाई। दास ने सोचा कि ये थप्पड़ मारने को कह रही है, तो उसने मुक्का विद्योत्तमा की ओर उठा दिया। विद्योत्तमा कहने लगी, मैंने कहा इंद्रियां पांच हैं। तब पंडितों ने कहा, ये कह रहे हैं पांचों इंद्रियां मेरे वश में हैं। इस प्रकार अनेक इशारों के उत्तर पंडितों ने दिए। विद्योत्तमा को विश्वास हो गया, ये कोई बहुत बड़ा विद्वान है। समझा बहुत बड़ा विद्वान, वर
कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। प्रिय भक्तजनों, विद्योत्मा ने अपमानित करके बाहर निकाल दिया तो उसने सोचा कि मेरा जीवन जीने लायक नहीं, और वो आत्महत्या करने के इरादे से एक नदी में कूदने के लिए गया। वहाँ उसने देखा कि कुछ महिलाएं नदी किनारे पत्थरों पर पटक पटक कर कपड़े धो रही हैं। जब उसने निरीक्षण किया तो पाया कि जिन पत्थरों पर महिलाएं कपड़े धो रही थी वो चिकने हो गए हैं, जबकि आस पास के पत्थर उबड़ खाबड़ और खुरदरे हैं। तब दास ने चिंतन किया कि यदि कपड़े की चोट से पत्थर जैसी कठोर चीज का आकार बदल सकता है तो क्या चेष्टा करने से बुद्धि नहीं आ सकती। और तभी उसने निश्चय कर लिया कि एक दिन वो विद्वान बनकर ही पत्नी के सामने जाएगा। मन ही मन में फिर तो दास ने सोच लिया इतना, निश्चित रूप से अब मुझको विद्वान ही है बनना। इतना सोच कर एक मन में फिर दास चला आए, एक दयालु योगी वन में उनको मिल जाए। अपने जीवन का योगी को जब वृत्तांत सुनाया, बड़े दयालु थे योगी ने उनको शिष्य बनाया। कहने लगे महाकाली की तुम्हें करनी चाहिए भक्ति, महामूर्ख को ज्ञानी बना दे उनमें ऐसी शक्ति। तुम्हें भी देंगी बुद्धि योगी उन्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार दास नाम के उस चरवाहे ने माता कालरात्रि की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया, और माता काली की तप साधना करके दास से कालिदास बन गया। प्रिय भक्तों, ये वही कालिदास है जिनकी गिनती संस्कृत के महाकवियों में होती है। प्रिय भक्तों, ऐसी कृपालु है माँ कालरात्रि जिनकी भक्ति ने एक महामूर्ख को महाविद्वान बना दिया। प्रिय भक्तों, अब हम माता कालरात्रि की दूसरी पौराणिक कथा का वर्णन करेंगे कि किस प्रकार माता ने अपना कालरात्रि रूप धारण किया था। शुंभ निशुंभ नामक दो दैत्य दोनों सगे भाई, ब्रह्मा जी की करके तपस्या जिन्होंने शक्ति पाई, और अपनी शक्ति पर उनको हो गया है अभिमान। शुंभ निशुंभ हो गए अब देवों से भी हैं बलवान, सभी देवता मिलकर भी उन्हें हरा नहीं पाए। अत्याचार अब शुंभ निशुंभ के बढ़ते ही जाए, स्वर्ग सिंहासन पर भी उनको हो गया है अधिकार। इंद्र सहित सब देवता गण जब गए युद्ध में हार, भोलेनाथ की शरण में सभी देवता आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। प्रिय
भक्तजनों, जब सभी देवताओं ने भोलेनाथ से आकर विनती की तो भोलेनाथ ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती देवताओं की पीड़ा जानती थी। उन्होंने देवताओं को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही शुंभ निशुंभ के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएंगी। सभी देवता माता को प्रणाम करके लौट गए। माता ने अपनी शक्ति से एक बड़ी ही अलौकिक शक्ति का निर्माण किया, जो सुंदर कन्या बनकर पर्वत पर तपस्या करने बैठ गई। विचरण करते हुए निशुंभ जो एक दिन वहां पे आया, देखी जो सुंदर कन्या तो उसका मन ललचाया। कहने लगा वो हरण तुम्हारा करके ले जाऊंगा, अपने भाई शुंभ की पत्नी तुम्हें बनाऊंगा। माने उसको अपना असली रूप दिखाया है, जिसे देख कर पापी दैत्य बड़ा घबराया है। कहने लगी यदि हो तुम बलवान तो युद्ध में हराओ, नहीं अकेले लड़ सकते तो अपनी सेना लाओ। युद्ध करो मुझसे क्यों करता व्यर्थ की बातें हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। भक्तजनों, इस प्रकार माता ने जब निशुंभ के सामने शर्त रखी कि यदि तुम मुझे युद्ध में हरा दोगे तो मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, माता की ललकार सुनकर निशुंभ भयभीत हो गया और उसने आकर अपने भाई शुंभ से सारी घटना बताई। प्रिय भक्तों, इतना सुनकर शुंभ कहने लगा, एक स्त्री ने हमें ललकार दिया तो धिक्कार है हमारे बल पर, मैं अभी अपनी सेना को भेजता हूँ। इतना कहकर शुंभ ने चंडमुंड नामक दो दैत्यों को सेनापति बनाकर बहुत सारी दैत्य सेना उनके साथ भेज दी। चंडमुंड जब सेना लेकर युद्ध करने को आए, माता की शक्ति के आगे दानव टिक ना पाए। माने ऐसा रण चंडी फिर से मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। जनों, माता ने तो अवतार ही दैत्यों के संहार के लिए लिया था, तो भला माता की शक्ति के आगे वो कैसे टिक पाते। एक एक करके माता सबका संहार करती गई। युद्ध भूमि में चारों ओर दैत्यों के कटे हुए अंग बिखरे पड़े थे। निशुंभ शुंभ को अपना अंत निकट दिखाई देने लगा और उनकी सेना में एक बड़ा मायावी दैत्य था जिसका नाम रक्त बीज था। जब वो युद्ध करने के लिए आया तो माता ने अपने त्रिशूल से उसकी गर्दन पर भी प्रहार कर दिया, जिससे रक्त बीज की गर्दन दूर जा गिरी। किंतु ये क्या,
रक्त बीज के रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरी उतने ही रक्त बीज बनते गए और सभी माता के ऊपर अपने शस्त्रों से प्रहार करने लगे। किंतु उनके शस्त्रों के प्रहार तो माता को पुष्प बाणों जैसे प्रतीत हो रहे थे, किंतु माता जितने भी रक्त बीजों का वध कर रही थी उन सब के रक्त से और रक्त बीज बनते जाते। समझ गई है माता फिर तो रक्त बीज की माया, अपनी शक्ति से माता ने एक और रूप बनाया। काली रात के जैसा रंग था और बिखरे हुए बाल, रक्त बीज के बचने का अब उठता नहीं सवाल। माता का यही रूप तो भक्तों काल राती है, दुष्टों का संहार करने जो धरा पे उतरी है। एक बनी रणचंडी भक्तों एक बनी काली, माता के दोनों रूपों में शक्ति बड़ी निराली। जिनके आगे और दानव टिक नहीं पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। जनों, माता रक्त बीज की माया को जान गई कि जब तक इस दैत्य का रक्त धरती पर गिरेगा इसका वध संभव नहीं। अतः माँ ने अपनी शक्ति से ही काली का निर्माण किया और कहा कि मैं जो जो रक्त बीजों का प्रहार करूंगी तुम इस दैत्य का रक्त पान करती जाना, क्योंकि इसका रक्त धरती पर गिरेगा तो रक्त बीज बनते जाएंगे, अतः तुम रक्त पान करती जाना, अंत में ये पापी रक्तहीन होकर मारा जाएगा। रणचंडी बन करके तो माँ ने प्रहार किया और काली ने रक्त बीज का सारा रक्त पिया। तब जा करके रक्त बीज का माता वध करती है, दैत्यों के अंगों से फट जाती है। शुंभ निशुंभ को भी माता ने दिया अंत में मार, सब देवों ने मिलकर बोली माँ की जय जयकार। रक्त बीज के वध को माँ ने भक्तों ये रूप बनाया, रक्त बीज के साथ ही उसकी खत्म हो गई माया। माँ के हाथों सब दानव जब मारे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं, दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। भक्तजनों, यही है माँ कालरात्रि के रूप की पौराणिक कथा। माता कालरात्रि ने जिस प्रकार चंडमुंड रक्त बीज और शुंभ निशुंभ का वध करके देवताओं को उनके भय से मुक्त कर दिया, उस प्रकार माता अपने भक्तों को शत्रुओं के भय से मुक्त करती है और कालिदास की तरह सद्बुद्धि प्रदान करती है। बोलिए माता कालरात्रि की जय। के रूप में माता भक्तों की हितकारी, इनके ध्यान से जीवन की विपदाएं दूर हो सारी। जो भी भक्त माँ के इस रूप का ध्यान लगाते हैं शत्रु भय से मुक्ति
शुक्ला भी माता तेरी महिमा करती वर्णन। पूज्य सुरेश पर भी तो आशीर्वाद आपका है, अपने मन में नाम जो रखता याद आपका है। सच्ची भक्ति आपकी बाकी झूठे नाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते शु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्व शु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्व शु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्व शु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्व शु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै।
नवरात्रों का आज है भक्तों सातवां दिन, नवरात्रों का आज है भक्तों सातवां दिन। काल रात्रि माता का करेंगे मिलकर सब पूजन, करेंगे मिलकर सब पूजन। नव दुर्गा का सातवां रूप है काल रात्रि माता, नव दुर्गा का सातवां रूप है काल रात्रि माता। सातवें दिन नव रात्रों में पूजा इन्हें जाता के भक्तों पूजा इन्हें
देखने में ये माँ का रूप तो लगता है विकराल, देखने में ये माँ का रूप तो लगता है
लेकिन बल दैत्यों का कोई काम न आया है, लेकिन बल दैत्यों का कोई काम न आया है। माँ की शक्ति के आगे कोई टिक न पाया है, कोई भी टिक न चंड मुंड नामक दो भाई दैत्य बड़े बलवान। चंड मुंड नामक दो भाई दैत्य बड़े बलवान, अपनी शक्ति पर जिनको हुआ बड़ा अभिमान, हो गया उन्हें पड़ी। माता दैत्यों पर मच गई हाहाकार, टूट पड़ी माता दैत्यों पर मच गई हाहाकार। चंड मुंड तो भी माता ने कर दिया है संहार, ओ भक्तों कर दिया है शुंभ निशुंभ को ज्ञात हुआ के चंड मुंड गए मारे। शुंभ निशुंभ को ज्ञात हुआ के चंड मुंड गए मारे, रक्त बीज को कहा के जाकर शक्ति को रक्त बीज पाकर आ गया जो रणभूमि में आया। रक्त बीज पाकर आ गया जो रणभूमि में आया, लेकर के त्रिशूल मैया ने शीश ही काट गिराया, उसका शीश ही लेकिन धरती पर जैसे ही उसका रक्त गिरा, लेकिन धरती पर जैसे ही उसका रक्त गिरा, हर एक रक्त की बूंद से दानव एक वैसा ही बना, एक दानव उसके जैसा बना। और जित
जितने भी रक्त बीज थे युद्ध करने को आए, और जितने भी रक्त बीज थे युद्ध करने को शीश है काट गिराए। लेकिन उन सब का भी रक्त तो गिरा है धरती पर, लेकिन उन सब का भी रक्त तो गिरा है धरती रक्त बीज का रक्त धरा पे माने न गिरने दिया, रक्त बीज का रक्त धरा पर माने न गिरने दिया, माने किया प्रहार दैत्यों का रक्त पान किया मैया ने रक्त हुआ संभव। तब जाकर के रक्त बीज का अंत हुआ संभव, काल रात्रि को रूप बनाकर मैया ने किया है सब के भक्तों, मैया ने किया है सब। शुंभ ने शुंभ को तब तो माने मार गिराया है, शुंभ ने शुंभ को तब तो माने मार गिराया है, सब देवों को उनके भय से मुक्त करा
शिक्षक बन कर आई माता, जब बढ़ा अत्याचार। रक्षक बन कर आई माता, जब बढ़ा रक्षक तुम ही सदा हो। हंसराज रिलहन की माता, रक्षक तुम ही सदा हो। फौजी सुरेश तेरे चरणों से माता, जुदा कभी भी ना हो मैया, जुदा कभी भी। Show।
चाहे करके हरण वो उस कन्या का। माँ का बढ़ता जाए रूप देख बिकराल ये माँ का।
शुंभ भी मैया, शुंभ निशुंभ भी मैया, तुमसे हारे हैं। ओम जय कालरात्रि माता, ओम जय कालरात्रि माता, मैया जय कालरात्रि माता, सात नवरात्रे में, सात नवरात्रे में पूजा तुम्हें। Namastas.
नमस्तस्यै नमो नमः।
नमस्तस्यै नमो नमः। या
नमस्ते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।